Hi friends, Sneha here. Today I'm here to give you a recipe of a very simple sandwich chutney. Sandwich chutney ki recipe aapne kahi baar dekhi hogi, try bhi kiya hoga, but main aaj yahan pe hu so that I can give you the recipe in a very simple way. Agar aapke paas zyada ingredients nahi hai, fir bhi aap bana sakte ho. Humne dekha hai usually working women ke paas bahut kam time hota hai to make the recipes. वो चाहते हैं उनके बच्चों के लिए अच्छे अच्छे रेसिपीज़ बनाएं, बट अगेन टाइम बहुत लिमिटेड होता है. जब तक वो ऑफिस से वापस आ जाते हैं, ऑलमोस्ट ऑल वेजिटेबल स्टोर्स हो या फिर जो भी स्टोर्स हो बंद हो चुके होते हैं, तो हमेशा इंग्रेडिएंट्स उनके पास नहीं होते हैं. तो सैंडविच की चटनी ऐसी है जो आप मैं जो आपको रेसिपी बता रही हूँ, इट इज़ यू कैन मेक दिस इन ओनली विथ 4 to 5 इंग्रेडिएंट्स, दैट्स इट. ये चटनी मेरे घर में मेरे डॉटर को, मेरे हस्बैंड को, मुझे, हम तीनों को भी ये बहुत पसंद है. आई डोंट नो वेदर ये एग्जैक्टली अगर आप कंपेयर करो तो सैंडविच वाले की चटनी जैसे बनेगी कि नहीं, आई डोंट नो, बट डेफिनेटली घर वाली जो चटनी होती है उसका टेस्ट ज़रूर इसमें आएगा. सो लेट्स सी क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इसमें. सो यू आपको 1 bunch कोथिमीर या फिर धनिया आपको लगेगा, क्लीन करके ले लीजिए. देन दिस इज़ रोस्टेड, आप रोस्ट कर सकते हो या विदाउट रोस्ट भी यूज़ कर सकते हो. दिस इज़ दाल, चने का दाल. यू नीड 1 lemon. आई हैव टेकन 7 to 8 चिलीज. नाउ ये 4 इंग्रेडिएंट्स जो है ये तो मेन है, पुदीना एंड आई हैव टेकन सम कैशोनट्स. दीज आर ऑप्शनल, आई यूजली एड कैशोनट्स, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है. सो सी आई एम नॉट एडिंग दिस, ये मैंने सिर्फ आपको ऑप्शन के लिए बताया है. सो इट इज़ अप टू यू अगर आपको ऐड करना है या नहीं करना है, बट द मेन इंग्रेडियंट्स ये है. ओके, सो दे आर ओनली 4 इंग्रेडियंट्स व्हाट आई एम एडिंग, एंड ऑफकोर्स सॉल्ट. सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग इट. Let's start adding everything to the mixer jar. आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं, पहले धनिया को पेस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा पानी ऐड करके, देन यू कैन ऐड द अदर इंग्रेडिएंट्स. सी मैंने थोड़ा सा पेस्ट कर लिया है, अब हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हैं, द चिलीज, द दाल एंड ऑफकोर्स द लेमन जूस. लेमन जूस ऐड करने के बाद फिर से इसका पेस्ट बना लीजिए, प्रॉपरली पेस्ट कर लेना इसका. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू ऐड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. सो पेस्ट हो चुका है और चटनी इज रेडी. सी बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, द कलर इज ऑल्सो वेरी नाइस. The chutney is ready. So I hope आपको ये recipe बहुत अच्छी लगी हो. Tomorrow I'll show you इस simple चटनी के साथ आप और क्या बना सकते हो other than sandwich. So please wait for my tomorrow's video and do like, share and subscribe to my channel so that you get notification whenever I upload any video. Thank you.